हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये मिनी बैग क्रोशेट करना बताऊंगी। ये मैंने अपने डॉटर के डॉल के लिए बनाया है। काफ़ी टाइम से उसकी रिक्वायरमेंट थी कि उसको अपने डॉल के लिए एक शॉपिंग बैग चाहिए, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। अब इस बैग के लिए मैं ये दो धागे यूज़ करूँगी, टू स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न यूज़ करूँगी। आप चाहें तो सिंगल धागे से भी बना सकते हैं। इस तरीके से पहले लूप बनाएंगे, चेन वन के बाद इस रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक जैसे कि मैंने अभी बनाया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। रिंग को छोटा कर लेंगे और इसको ये जो चेन के बाद जो हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था उसके टॉप से मैं इसको हुक में लेके स्लिप स्टिच बनाऊंगी इस तरीके से। एक बार यहाँ पे हम इस स्लिप स्टिच बनाने के बाद यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे कि कितने ऊपर चेन दिख रहे हैं ये सर्कल में। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 चेन्स होने चाहिए, ये आपको भी ध्यान रखना है। 6 चेन्स बनाने के बाद हम इस फर्स्ट अपने चेन पहले तो सबसे पहले हम चेन वन बनाएंगे। चेन वन बनाने के बाद अपने फर्स्ट चेन को पिक करेंगे और यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 1 एंड 2। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1 एंड 2, 2 सिंगल क्रोशेट हम इस सेकेंड राउंड में हर चेन में बनाएंगे। ये लास्ट चेन में सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ मैं, और ये जो स्टार्टिंग की चेन है उसको छोड़ के ये जो क्रोशेट है सिंगल क्रोशेट उसके टॉप पे जो चेन दिखेगी आपको उससे स्लिप स्टिच बना के इसको राउंड को फिनिश करना है। आप चाहे तो यहाँ पर भी अपने चेन्स को इस सर्कल चेन्स को काउंट कर सकते हैं। 12 होनी चाहिए, पिछली बार 6 थी, अब इस बार 12 होनी चाहिए। चेन वन बनाएंगे, थर्ड राउंड शुरू करेंगे। थर्ड राउंड के लिए अपने इस फर्स्ट चेन में जाएंगे और 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे और 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 1 एंड 2, 1 चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। अब नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशेट, अब उससे नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशेट, 1 और उसी सेम में 2, सेम जगह पे 2। तो इस बार क्या पैटर्न है हमारा, 1 सिंगल क्रोशेट एंड नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशेट, 1 2 1 2 बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। इस थर्ड राउंड को फिनिश करने के लिए ये तो चेन है स्टार्टिंग की, इस क्रोशेट के फर्स्ट क्रोशेट के टॉप से स्लिप स्टिच बनाएंगे। थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ, चेन वन बनाएंगे, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। पहले से 1 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशेट और अब थर्ड चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। यानी इस बार पैटर्न चल रहा है हमारा 1 1 2। एंडिंग का क्रोशेट बनाने के बाद ये मेरे स्टार्टिंग के जो क्रोशेट है उसके टॉप से मैं स्लिप स्टिच बना लूँगी।
फिर चेन वन बनाऊंगी और नेक्स्ट राउंड के लिए आगे बढ़ूंगी। पहले वन सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में भी वन सिंगल क्रोशेट, और अब उससे नेक्स्ट में टू सिंगल क्रोशेट, यानी थ्री टाइम्स वन 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 वन, और उससे नेक्स्ट में टू सिंगल क्रोशेट। इस बार ये पैटर्न फॉलो होगा। वन सिंगल क्रोशेट, वन सिंगल क्रोशेट, वन सिंगल क्रोशेट, अब नेक्स्ट में टू सिंगल क्रोशेट। ये हमारा फिफ्थ राउंड है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फिफ्थ राउंड है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, मैं 3.5 mm का क्रोशेट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दो स्ट्रैंड यूज़ करी तो धागा मोटा हो गया है। अगर आप सिंगल धागा यूज़ करें इस क्रोशेट यान का, तो आप 2.5 mm का हुक यूज़ करिएगा। एंडिंग पे पहुँचने पे ये हमारा स्टार्टिंग का क्रोशेट है। पहले यहाँ पे सिंगल क्रोशेट और ये स्टार्टिंग के क्रोशेट के टॉप से स्लिप स्टिच। तो ये हमारा बेस रेडी हो गया है, बॉटम बन गया है इस बैग का, ये वाला बॉटम। अब हम अपर एरिया बनाएंगे। ये अपर एरिया के लिए सबसे पहले चेन वन, और अपने फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट। अब जो हम सेकंड क्रोशेट बनाएंगे, वो सेकंड चेन के नीचे का जो एरिया है, ये सेकंड चेन देखिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। ये फर्स्ट चेन में मैंने सिंगल क्रोशेट बनाया, अब ये सेकंड चेन है, और सेकंड चेन के नीचे ये क्रोशेट है, और इस क्रोशेट के नीचे का एरिया ये, यहाँ पे मैं क्रोशेट बनाऊंगी, ये ऐसे। आपको ये दूर लग रहा होगा यहाँ पे बहुत, बट दैट इज़ ओके, वो दूर दिखेगा लेकिन होगा नहीं। अब इस लंबे क्रोशेट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट चेन जो दिख रही है उसमें सिंगल क्रोशेट नॉर्मल वाला, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट चेन के बॉटम से, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इस फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड जब बनाएंगे आप इस पैटर्न का तो आपको इजी हो जाएगा। तो ये है सेकंड चेन, उसके बॉटम का ये एरिया ये दिख रहा है, तो हम यहाँ बनाएंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको सिर्फ इसी राउंड में थोड़ी दिक्कत होगी, इस फर्स्ट पैटर्न राउंड में, सेकंड राउंड जो होगा पैटर्न का अपर पार्ट का, वो उसमें दिक्कत नहीं होगी। ये सिंगल क्रोशेट बना लिया, अब ये सेकंड चेन जो है, इसके नेक्स्ट चेन जो है उसके नीचे का एरिया ये है। ये आपको ना गैस करना पड़ेगा कि अभी फ़िलहाल इस राउंड में कि कहाँ पे हम लंबा क्रोशेट बनाएं। ये है सेकंड चेन, नेक्स्ट चेन मतलब, और उसके नीचे है ये वाला एरिया, फिर नेक्स्ट ये है, इसमें तो सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशेट और एक लॉन्ग क्रोशेट। ये देखिए कैसे दिख रहा है, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, अब इसके नीचे ये एरिया है, तो ये लॉन्ग क्रोशेट, ऐसे बनाते जाएंगे। एंडिंग पे मेरा ये लॉन्ग क्रोशेट आया है, और आपको याद होगा स्टार्टिंग में यहाँ पे पहले मैंने शुरुआत सिंगल क्रोशेट से की थी। ये चेन वन है शुरुआत की, और ये सिंगल क्रोशेट का टॉप है, तो मैं इससे इसको फिनिश करूँगी। चेन वन अगेन फॉर द नेक्स्ट राउंड, और उसके बाद ये जो पिछले प्रीवियस राउंड की, पिछले राउंड की ये जो सिंगल क्रोशेट है, इसके नीचे से हम क्या बनाएंगे, लॉन्ग क्रोशेट बनाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, फिर उसके बाद हम इन दोनों लॉन्ग क्रोशेट के बीच के एरिया में लॉन्ग क्रोशेट बनाएंगे, जो प्रीवियस राउंड के ये दो लॉन्ग क्रोशेट हैं इनके बीच के एरिया में। आपको ये बहुत दूर लगेगा कि इतना जंप करना पड़ेगा, ये एरिया दूर लगेगा, बट आपको ऐसे ही करना है, बाद में वो कवर हो जाएगा, आपको दूर नहीं लगेगा।
अब नेक्स्ट में यानी कि लॉन्ग जंप वाले क्रोशेट के टॉप पे, टॉप चेन पे सिंगल क्रोशेट, अब इन दोनों के बीच के एरिया में लॉन्ग क्रोशेट, अब नेक्स्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशेट। इस राउंड में ये इजी रहेगा पिक करना आपको कि कहाँ पे हमें लॉन्ग क्रोशेट बनाना है, और इस राउंड में ही आपको ये ऊपर की तरफ अपर की तरफ टर्न होते हुए नज़र आएगा। ये दोनों लॉन्ग क्रोशेट हैं प्रीवियस राउंड के, यहाँ पे हम अपना इस राउंड का क्रोशेट बनाएंगे लॉन्ग क्रोशेट, और अब इसके ऊपर यानी कि इसके नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आपको बहुत दूर लगेगा कि इतना जंप करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसे ही करना है। ये जस्ट आपको सिंगल क्रोशेट जो है इसके साथ में ही बंधा हुआ नज़र आएगा। ये देखिए मैंने लॉन्ग जंप बनाया और उसके बाद यहाँ पे ये चेन दिख रही है इस प्रीवियस राउंड के लॉन्ग क्रोशेट के साइड में ही। राउंड के एंडिंग पे हूँ मैं और मैंने यहाँ पे ये सिंगल क्रोशेट बनाया है लास्ट में, और आपको याद होगा मैंने इस राउंड के स्टार्टिंग में लॉन्ग क्रोशेट बनाया था, तो सिंगल क्रोशेट और लॉन्ग क्रोशेट यानी कि पैटर्न ठीक रहेगा सिंगल क्रोशेट के बाद लॉन्ग क्रोशेट। और ये आपको दूरी यहाँ पे भी नज़र आएगी, इतने गैप नज़र आएगा, बट आपको फिर भी यहाँ पे इस अपने लॉन्ग क्रोशेट के टॉप से स्लिप स्टिच बना के इसको फिनिश करना है। देखिए कवर हो गया है, अब आपको दूर नहीं लगेगा। अब फिर से हम नेक्स्ट राउंड के शुरुआत के लिए चेन वन बनाएंगे और अपने इस लॉन्ग क्रोशेट के इस साइड में जो चेन दिख रही है यहाँ पे शुरुआत जो है इस बार सिंगल क्रोशेट से होगी। हमने फर्स्ट राउंड में सिंगल क्रोशेट से स्टार्टिंग की थी, फिर सेकेंड राउंड में यहाँ पे लॉन्ग क्रोशेट से शुरुआत की थी, और अब फिर से हम थर्ड राउंड में सिंगल क्रोशेट से शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके से ये पैटर्न जो है आगे बढ़ता जाएगा। आपको अब आगे के हर राउंड में इसी पैटर्न को फॉलो करना है, सिंगल क्रोशेट लॉन्ग क्रोशेट सिंगल क्रोशेट एंड लॉन्ग क्रोशेट, और आगे के कई राउंड जितना आपको इस बैग का हाइट चाहिए उतनी हाइट तक इसको हम बना लेंगे। मैंने इतना बना लिया है। आप इसको काउंट कैसे करेंगे कि कितने राउंड बनाने हैं आपको? मैंने टोटल 9 राउंड बनाए हैं अपर पार्ट के। यहाँ से शुरू करेंगे फर्स्ट लॉन्ग स्टिच से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 राउंड्स बनाए हैं मैंने अपर पार्ट के। अब मैं सिंगल क्रोशेट चेन वन बनाऊंगी फॉर द नेक्स्ट राउंड, और यहाँ पे नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, अब उससे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। 4 चेन्स में 4 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद अब मैं चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइन एंड 10। 10 चेन्स बनाने के बाद इसको मैं यहाँ पे गैप देके 6 चेन का गैप देके जॉइंट करूँगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 चेन्स छोड़ के 7th चेन में मैं इसको अटैच करूँगी। ये 7th चेन है, इसमें मैं इसको सिंगल क्रोशेट के थ्रू ही अटैच करूँगी। तो ये 10 चेन 6 चेन्स का बीच में गैप। वन सिंगल क्रोशेट, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स,
सेवन सेवन चेन्स के बाद मैं काउंट कर लेती हूँ कि यहाँ पे कितने चेन्स आ रहे हैं ताकि ये बैलेंस रहे ये एरिया। सेवन चेन्स मैंने यहाँ पे बनाई हैं, सेवन सिंगल क्रोशेट सॉरी बनाए हैं मैंने। सेवन सिंगल क्रोशेट के बाद वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री थ्री एंड फोर पहले वाले सेवन, ठीक है। यानी कि इसी तरीके से आप भी कैलकुलेट कर लें कि आपको कितने चेन का गैप रखना है और कितनी सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो यहाँ मैंने सेवन सिंगल क्रोशेट बनाए हैं इसको जॉइंट करने वाले सिंगल क्रोशेट के बाद। अब मैं बनाऊंगी टेन चेन्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। टेन चेन बनाने के बाद हम इसको सिंगल क्रोशेट के थ्रू जोड़ेंगे सिक्स चेन्स का गैप देके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशेट वन टू एंड थ्री और स्टार्टिंग के सिंगल क्रोशेट से स्लिप स्टिच। तो यहाँ पे कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गए यहाँ पे, इसको छोड़ के अटैचिंग वाले सिंगल क्रोशेट को छोड़ के। इसके बाद हम चेन वन बनाएंगे और सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, उसके बाद यहाँ पे भी सिंगल क्रोशेट, और अब हम इस जो हैंडल है इसको कवर करेंगे सिंगल क्रोशेट के थ्रू। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व। हमने टेन चेन्स को ट्वेल्व सिंगल क्रोशेट से कवर किया। उसके बाद यहाँ पे एक कॉर्नर पे भी सिंगल क्रोशेट। अब इन सभी सिंगल क्रोशेट के ऊपर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और अब इस सेकंड एरिया में भी सिंगल क्रोशेट बना के ट्वेल्व चेन से इस हैंडल को कवर करेंगे। टू और अब इसको स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को फिनिश करेंगे। धागा कट कर लेते हैं। अब इसको हम अब इन धागों को हम अंदर की तरफ हाइड कर लेंगे। बैग जो है रेडी है। अब हम इसके लिए फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए मैं जो है 2.5 mm का क्रोशेट हुक ले रही हूँ क्योंकि मैं सिंगल धागा यूज़ करूँगी। इस तरीके से पहले एक रिंग बनाएंगे और इस रिंग में चेन वन बनाने के बाद 12 सिंगल क्रोशेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन
11 एंड 12 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद इसको छोटा कर लेंगे लूप को, रिंग को, और स्टार्टिंग के क्रोशेट के टॉप से स्लिप स्टिच, चेन थ्री, 1, 2 एंड 3 धागा लेंगे, और डबल क्रोशेट के लिए यार्न पुल करेंगे, 1, 2, 3 3 times इस नेक्स्ट चेन में से यार्न पुल करने के बाद अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और वहाँ से 3 time करेंगे। पहले तो धागा लेंगे, 1, 2 एंड 3 टोटल हो गए 6 times। अब इनको बांध देंगे ऐसे, ये बंध गया। फिर से चेन 3, 1, 2 एंड 3 और इसको जहाँ पे हमने क्रोशेट बनाया था 3 crochet लॉन्ग, उसी के साथ इसको उसी चेन में इसको स्लिप स्टिच बना के फिनिश करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, स्लिप स्टिच बना के ऐसे, और चेन 3 अगेन, 1, 2, 3 धागा लेंगे और इसी सेम जगह लॉन्ग लूप, 1, 2 एंड 3 धागा लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में 1, 2 एंड 3 और इसको बांध देंगे अगेन, 1, 2 एंड 3 और इसको सेम चेन लूप में स्लिप स्टिच। तो इस तरीके से बनाते हुए हम टोटल 6 petals बना लेंगे। लास्ट पेटल को बांधने के बाद चेन 3 और सेम चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसको अब बैक में जाके यहाँ पे फंसा लेंगे। इस तरीके से ये धागा अभी कट नहीं करेंगे, इसको हम बस अभी ऐसे ही रहने देते हैं। और ये सेंटर होल को छोटा कर लेंगे स्टार्टिंग के थ्रेड को खींचकर। सेंटर पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट कलर लूँगी। सबसे पहले रिंग बनाएंगे, उसके बाद चेन 3, 1, 2 एंड 3 धागा लेंगे और इस रिंग में लॉन्ग लूप, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 अब इसको बांध देंगे पेटल की तरह, चेन 3, 1, 2, 3 और इस सेम रिंग में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इसको किनारे कर लेते हैं और इसको अब जो स्टार्टिंग का धागा है इसको पुल कर लेंगे कम्प्लीटली और इस थ्रेड को भी कट कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे बन जाएगा। इनमें से एक धागे को हम दूसरी साइड ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं टाई करने के लिए, इजी रहेगा। इस तरफ ले आएंगे, अभी दोनों साइड हो गया है। अब इसके सेंटर में हम इसको टाई करेंगे। पहले हम इन धागों को बांध के कट कर लेते हैं। ग्रीन धागे का अब काम नहीं है।
ये अब हमारा बैग जो है रेडी है। आपकी डॉटर को भी डेफिनेटली ये पसंद आएगा, आप किसी को भी देंगे तो ये अच्छा लगेगा, उसको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।